क्या लाडलो मुखम अरविंद, नमस्ते। नमस्कार, मैं उपासक, आप देख रहे हैं कारामाजू। हमने हरियाणा जीके पर एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि 100 मॉक टेस्ट होंगे और हर एक मॉक टेस्ट में 30 सवाल होंगे। तो इस तरह से हरियाणा जीके के 3,000 सवालों को कवर किया जाएगा। अगर आप सिर्फ ये मॉक टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कर लेंगे तो हरियाणा जीके के आने वाले सारे सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। हरियाणा जीके मॉक टेस्ट नंबर 93, सप्तमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा स्पीदो। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? यहाँ पर आपका जवाब आएगा करनाल। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब आएगा पानीपत, इसको बोलते हैं वीवर सिटी। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा 5। चमन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो इसका जवाब आएगा ढोसी की पहाड़ी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ किस राजा ने बलिदान दिया? तो इसका जवाब आएगा नाहर सिंह। हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की? यहाँ पर जो कृषि मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन्होंने शुरुआत की थी। HSIIDC के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर आपका जवाब आएगा सुधीर राजपाल। हरियाणा में राज्य जन्मे का संबंध किस नगर से है? यहाँ पर आपका जवाब आएगा स्पीदो। हरियाणा सरकार में महिला, बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय किसके पास है? तो इसका जवाब है कविता जैन। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो ये हैं 6, जो कि पहले 4 थे। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? यहाँ पर आपका जवाब आएगा उदय भान हंस। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो अब ये 2 राज्य हैं, रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा के लोह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा बंसीलाल। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो जवाब आएगा बंसीलाल, ना कि भजन लाल। कौन सा जिला सबसे आखिरी में बना? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आएगा पलवल, लेकिन अब है चरखी दादरी। कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा भरम सरोवर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? इन ऑप्शन के हिसाब से आएगा करनाल, लेकिन करनाल आज की डेट में एक मंडल है। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? यहाँ पर आपका जवाब आएगा बिश्नोई। KMP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है कुंडली मानेसर पलवल सी। रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 3 सितंबर 1992 को। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? यहाँ पर आपका जवाब आएगा कौटिल्य। ग्रीक राजदूत मैक्सथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? यहाँ पर आपका जवाब आएगा इंडिका। मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ? यहाँ पर आपका जवाब आएगा ब्रह्मपुत्र। राज्य सरकार ने किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय की स्थापना की है? तो इसका जवाब आएगा पंचकुला। श्रीखंड जनपद किस जिले को कहा जाता है? यहाँ पर आपका जवाब आएगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आपका जवाब आएगा ए पाचना हरचरू। किस वेद में हरियाणा के 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख है जो आज लुप्त है? यहाँ पर आपका जवाब आएगा ए ऋग्वेद। दिव्य ज्ञान में किन नगरों का उल्लेख हुआ है? यहाँ पर आपका जवाब आएगा रोहतक एंड अग्रवा, तो ऑप्शन सी, ए और बी। अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा बर्मी लिपि। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस टेस्ट में कितने नंबर स्कोर किए, ताकि पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके HSSC के आगे आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद।